बीरू, इतना भरोसा किया था तुम पे कि तुम हमारी टीम में रहोगे तो हमारे लिए कुछ काम करोगे। गद्दारी। इतने साल हमारे साथ काम करके तुम ये कैसे भूल गए कि धोखा देने वाले को मैं दोबारा मौका नहीं। उस ट्रक में लाखों का माल था। तो अब चलो, देर मत करो और अपने मालिक का नाम बता दो। नाम? नाम तो तुम्हें खुद पता चल जाएगा जब मेरे बॉस को पता लगेगा। बाबूजी, अगर तुम्हारी जगह मैं होता तो इसको कब का ठोक चुका होता। अगर इसको ठोकना होता तो मैं पहले ही ठोक देता। मरने के लिए तैयार हो गया। मेरे मरने के बाद तुम भी अपना मौत का इंतजार करो। तो अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। हाँ बाबू, खाना खा लिया। तुम्हें ऐसे गुंडा बनी हो तुम? ये तुम लौडियाबाजी करना आए हो इन पे? सारी तुम्हारी लौडियाबाजी चक्कर में आदमी उन पे पेल दे हमें। हम ऐसे हाथ कर रहे, तुम कट्टा नहीं दे रहे आके हमें? हो इतनी ट्रेनिंग दे गुंडा बनबे की ऐसे गुंडा बनी हो? तुम्हारे चक्कर में कोई किसी दिन ठोक के चला जाएगा। हम हाथ दे रहे, हाथ देवे को मतलब है कि हमारे हाथ में तुम कट्टा लोड करके दो और तुम लौडियाबाजी कर रहे हो इन पे। अपने धंधे में इस कदर की लौडियाबाजी ऐसे टाइम पे नहीं चलती बेटा। लोड देगा कोई दिन लाभ कट्टा लोड करके, लोड करके ले फोन। अब लौडियाबाजी नहीं करियो। बच के जाएगा कहां पे? आशुतोष, आशुतोष मिला? नहीं मिला। जाओ जल्दी, कोदा के उधर पे जाओ जल्दी, कोदा के। आशुतोष फोन दो आगे अपना। लो साला भाग गया। हेलो आकाश, यार बीरू वहां से निकल गया। कैसे? अरे आशुतोष की पागलपंती की वजह से यार। अबे लौडियाबाजी कर रहा था कि यहाँ पे अपने आदमी भेजते हैं हम। तुम अपने आदमी भेजो उधर साइड। हाँ आदमी जो निकलना पाए यहाँ से वो। अरे वो हाथ में चाहिए यार मुझे, यार निकल जाएगा पूरा काम खराब हो जाएगा। हाँ तुम अपने आदमी भेजो वहां पे, हम यहां से निकल रहे हैं जल्दी से। हाँ जग्गू, तुम वहां पहुंचे? कुछ मिला वहां पे? देखो वहीं देखो, कुछ मिलेगा। हाँ ठीक। आकाश चौथी बाद में बात करते हैं। नहीं मिला साला। ये कहाँ चला गया? वो रस्सी फेंक के गया है, सब इनकी वजह से हुआ है। मैं तुमसे बोला उसको अपने साथ ना रखो। मुझे इस बात का डर नहीं, मुझे इस बात का डर है कि आखिर वो किसका आदमी था और कहाँ गया होगा। पता नहीं अब कौन सी मुसीबत। तुमसे नाम नहीं बताया लेकिन पता नहीं अब कौन सी मुसीबत आने वाली है। कौन है वो यार जिसका वो नाम ले रहा था बार बार? आखिर कौन है उसका बॉस? बॉस, बॉस, बहुत मुश्किल से जान बचा के आया हूँ। उनको पता चल गया है बॉस। कौन था वो? बाबूजी, तुमने उसे मेरा नाम नहीं बताया क्या? बताया था कि बॉस। उन लोगों ने मेरे आदमी को छेड़ा है। उनकी इतनी हिम्मत, तुमने क्या उसको मेरा नाम नहीं बताया? एक घंटे के अंदर ये सब के सब मेरे सामने चाहिए, मेरे कदमों पर होने चाहिए। समझ रहे हो ना? तो
मेरे चाचा कैप्शन दे दो। कहा था ना मैंने आज शाम को सब पता चल जाएगा तुमको। रुक जाओ वीरू भाई, उसको वही छोड़ दो। यार देख, तू नाम जानना चाहता था ना, मैं तुझे और तेरे भाई को तेरे बाप को भी जानता हूं। तू मुझे भूल गया क्या? लेकिन मैं तुझे और तेरे बाप को कभी नहीं भूल सकता हूं। तुमने मेरे वीरू भाई को पकड़ के बहुत बड़ी गलती की है बाबू, बहुत बड़ी गलती की है तूने, समझ रहा है ना तू? फोन लगा उसके भाई को। हेलो, अगर अपने भाई को जिंदा देखना चाहता है तो मंडी गोदाम में आ जा। कौन बोल रहा है? आ तो बैठ तू। पर क्यों? रास्ते में बताता हूं तुझको। भाई भाई तुझे क्या हुआ? भाई तुझे क्या हुआ? भाई 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 रुको। तुम सब जानना चाहते थे ना कि मैं कौन हूं? मैं वही हूं जिसकी जमीन हड़प कर तेरे बाप ने मुझे बेइज्जत करके इस गांव से बेदखल कर दिया था। अच्छा, तू वही गद्दार है जिसको मेरे पिताजी ने गांव से निकाल दिया था क्योंकि तूने गरीबों की जमीन हड़पी थी, उन गरीबों की जमीन जिनकी वो माँ होती है। मैं वहां पर फैक्ट्री लगाने वाला था, मैं वहां पर गांव वालों को रोजगार देता। कोई अपनी माँ को नहीं छोड़ सकता। तू उनकी माँ को अपना चाहता था, मेरे पिताजी ने जो किया वो तेरे साथ सही किया। सही किया? अब देखना क्या सही किया। ये सोच कि तुझे गांव से जाने दिया वरना तुझको मार के तेरी लाश को गांव से बाहर फेंकवा देते। मेरी लाश को मेरी लाश को देख, आज तू मेरे कदमों में है। एक बार मेरे हाथ खोल के तो देख, मैं आज भी तुझे तेरी औकात दिखा सकता हूँ। तुझे क्या लगता है कि तू हाथ बांध के एक मर्द बन रहा है? तू हमेशा से तू एक गद्दार था। पहले तूने गांव वालों के साथ गद्दारी की, धोखे से उनके अंगूठों के निशान ले लिए कागज पे। अरे फैक्ट्री लगा के तू क्या सोचता था? फैक्ट्री सिर्फ जहर फेंकती है जहर। गांव वालों से तू उसकी माँ छीनना चाहता था जमीन, जमीन गांव वालों की माँ होती है। तुझे अभी भी एक मौका दे रहा हूं कि तू अभी भी सुधर जा, वरना वरना तेरे साथ
अच्छा नहीं होगा। मारो सबको। छोड़ दो मुझे। तू क्या चाहता है? मैं भी वही गलती करूं जो आज के सालों पहले मेरे पिता ने करी थी, तुझे जिंदा छोड़कर। देख तेरी वजह से आज इतने मासूम लोगों की जान चली गई, तेरा भाई भी मारा गया। क्या मिला तुझे बोल। मैंने तेरे भाई से कहा धोखा देने वाले को मैं दोबारा मौका नहीं।